एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, रोशनी से आप लोग देख रहे होंगे कि मौसम तो बहुत प्यारा है, और अगर मौसम प्यारा है तो मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बस ये ठंडी हवा वाला जो प्रकोप है ना, ये और चला जाए तो बस सब कुछ चंगा चंगा रहेगा, क्योंकि मुझे ठंडी हवा से बड़ी प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं होता मेरा। मेरे कान एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं, नाक एकदम ठंडी हो जाती है और चालू हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि धूप नहीं है तो मैं तो कमरे में रहती हूँ, गैस वैस के पास खूब काम करती हूँ ताकि गर्म 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 ही रहे। बाकी सुनने में आया है कि शायद खिचड़ी के बाद जो है मौसम ठीक होने लग जाएगा। अभी तो बर्फबारी हो रही है तो ठंडी ठंडी हवाओं का सामना हम सबको करना पड़ेगा दोस्तों। और मकर संक्रांति आने वाली है और उत्कर्ष के टास्क भी आ गए हैं। एग्जाम तो है ही अपनी जगह, लेकिन टास्क भी करके भेजना है इनको। काइट मेकिंग टास्क है और फ्लाइंग का टास्क है, तो दोनों ही होगा। मकर संक्रांति पे तो काइट उड़ाई जाएगी, लेकिन इस बार उत्कर्ष अपने हाथ से बनी हुई पतंग उड़ाएंगे, और वो कितनी अच्छी बनती है, कैसी बनती है, वो आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में हम शेयर करेंगे। दोस्तों, इधर बीच में रेगुलर व्लॉग तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी कॉमेडी वीडियो या कुछ टिप्स वगैरह चले जाते हैं, कुछ ना कुछ चले जाते हैं। तो उसके साथ ही मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन जब कमेंट्स आना शुरू होते हैं तो मेरे दिमाग की बत्ती जलती है कि यार कभी तो ये बात मुझे बोलना चाहिए। कि जब भी आप लोग अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे पूछते हैं, खासकर महिलाएं जब वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे पूछती हैं, तो प्लीज़ अपनी पूरी डिटेल दिया कीजिए कि आपकी एज क्या है, आपको मंथली क्या प्रॉब्लम होती है, तभी मैं आप लोगों को सही शॉर्ट कुछ होम रेमेडी बता पाऊंगी। क्योंकि हमारी बॉडी सबकी अलग अलग होती है और सबको अलग अलग तरह की परेशानी होती है। तो मैं अगर आपको कोई भी होम टिप्स बता रही हूँ तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। एवरी मंथ हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। तो उससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो प्लीज़ अपनी पूरी डिटेल भी उसमें लिखा कीजिए। एज ज़रूर लिखा कीजिए, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। एज वाइज बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं, बदलती हैं, बहुत सारी चीज़ें बंद होती हैं, कुछ चीज़ें शुरू होती हैं, तो हमें उसके लिए अवेयर रहना होता है। मैं कोई भी टिप्स ऐसे ही नहीं बता पाऊंगी आपको, और आप लोगों को ये लगता है कि मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने हर समस्या पे एक वीडियो बनाई है, हर समस्या पे एक होम रेमेडी आप लोगों को बताई है, जो भी मैं करती हूँ। लेकिन कोई भी समस्या एक नहीं है, बॉडी से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं। मैंने जो यूट्रस वाला वीडियो अपना डाला है दोस्तों, उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी महिलाओं के सवाल आते हैं, लेकिन मैं उनको तब तक कुछ नहीं बता सकती जब तक वो अपनी एज या अपनी पूरी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करेंगी। और अगर आप लोगों को कमेंट करने में संकोच हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर लीजिए। आप मैंने अपना जीमेल ID दिया है, और कोई भी मेल अगर आता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ दोस्तों। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, लेकिन मैं वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मुझे मालूम है, जिनका अनुभव मुझे है ना। तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिए, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि आपको बताना नहीं होता, हम पूछे जा रहे हैं, आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा रिप्लाई नहीं देखते कि मैं उसमें आपसे आपकी एज पूछ रही हूँ या आपसे कुछ और चीजें पूछ रही हूँ, तो प्लीज उस पर भी ध्यान दीजिए। सो ये बात मुझे आज मेंशन करना बहुत जरूरी लगा, क्योंकि बीते दिनों में 5-6 ऐसे कमेंट्स आए थे जिससे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि अरे यार मैं तो बता रही हूँ, मैंने तो वीडियो ही इसलिए बनाई है कि जिस समस्या से मैं गुजरी हूँ, जिन चीज़ों से मैंने सफ़र किया है, उससे अगर कोई और भी कर रहा है तो वो ये होम टिप्स जो है अप्लाई करे और उसे हो सकता है फ़ायदा मिल जाए, इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। दोस्तों, 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, और चूँकि उत्कर्ष के पापा जो हैं वो योगाचार्य हैं, तो उनको बहुत सारे प्रेजेंटेशन देने थे, बहुत जगह कुछ कुछ काम उनको करवाना था, लेकिन मैंने देखा कि ना न्यूज़ में कहीं भी इस बात का जिक्र था। और वैसे तो 21 जून को होता है वर्ल्ड योगा डे, लेकिन इस दिन जो है 12 तारीख को, 12 जनवरी को, ये था कि सूर्य नमस्कार रखा गया है, एक विशेष तरीके से सब लोग मिलकर सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन मुझे न्यूज़ में कहीं नज़र नहीं आया। तो वैसे मैंने सुना था कि इधर भी योगा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, और कोरोना काल में योगा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत से लोगों ने अपनाया है, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया लोगों को कि योगा छोड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई एक्सरसाइज करें ना करें, सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, क्योंकि फुल बॉडी एक्सरसाइज हमारी सूर्य नमस्कार में हो जाती है दोस्तों। तो उसे ज़रूर अपनाइएगा, हो सकेगा तो मैं उत्कर्ष से करा के सूर्य नमस्कार की क्लिपिंग इसमें डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर से उसे अपनाइएगा।
सो दोस्तों मैं भी करती हूँ सूर्य नमस्कार, लेकिन मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, उत्कर्ष की बनवा दूंगी। और उत्कर्ष बहुत अच्छे से करता है, इसकी रेगुलर एक्सरसाइज में हम लोग इसे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पाते क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे से इनकी क्लासेस चालू हो जाती हैं ऑनलाइन। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जब भी इनको समय मिले 3-4 बार 5 बार लगातार सूर्य नमस्कार करें, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। दोस्तों मैं भी करती हूँ, मुझे यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो मैं कम वजन देख के इस हाथ पे और फिर करती हूँ, लेकिन करती जरूर हूँ। और कई लोग पूछते हैं ना कि आप इतनी स्लिम क्लिम कैसे हो इस एज में भी, तो शायद उसका रीजन यही है कि सूर्य नमस्कार से पेट वेट सबकी एक्सरसाइज आराम से हो जाती है, तो हम लोग वही करते हैं। और ऊपर से हमारा खान पान बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कहीं भी फैटी चीजें हम नहीं खाते हैं, ज्यादा मीठा चॉकलेट वगैरह नहीं खाते हैं, तो मैनेज हो जाता है। सो इसमें मैं कोशिश करूंगी क्लिपिंग जोड़ दूं। सो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसे यहीं पर हम एंड कर रहे हैं, और मैं व्लॉग छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा उत्कर्ष के साथ बिजी हूँ इन्हें पढ़ाने में, इनके कुछ कुछ टास्क वगैरह पूरे कराने में और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब इनके फाइनल एग्जाम्स हैं। मैडम ने साफ कहा है कि 17th से ये फाइनल एग्जाम है आपके, 2 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट पार्ट ये है और ये इसका रिजल्ट फाइनल उसमें जुड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि इसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे, अच्छी लर्निंग रहे और कहीं भी हमें निराशा ना हो। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर समेटती हूँ, आज आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और बाहर की चीजें मत खाइएगा।